नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं आरबीएल बैंक के ऊपर। तो यहां आपकी नज़र थोड़ी सी बनी रहनी चाहिए। देखिए इस स्टॉक में मैं लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मज़ा लेकर बस निकलना चाहते हैं तो आप इस बैंक पे आप नज़र बना के रखिए और पैसा लगा के भी रखिए। देखिए लगभग इसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 206 रुपये 75 पैसे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लगभग 21.85 रुपये तेज है। लगभग अगर हम यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो 11.82% की इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक की जो यहाँ पे आप देखिए जो इस स्टॉक की क्वालिटी है, वो एनालिस्ट लोग लगभग इस स्टॉक की क्वालिटी गुड बता रहे हैं। ठीक है, स्टॉक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में थोड़ा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये अभी अपने वेरी एक्सपेंसिव पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए जब स्टॉक भागते रहता है, वेरी एक्सपेंसिव पे रहता है, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग या स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे इस स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो कि अगर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कोई भी खरीदारी करने के लिए नहीं बोल रहा है और यहाँ पे लगभग 17 ऐसे एनालिस्ट हैं कि जो यहाँ पे गिरावट के लिए बोल रहे हैं, मतलब सेलिंग के लिए बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इस स्टॉक की अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं है, क्योंकि 5 साल में लगभग 46% का माइनस रिटर्न है। तो ये चीज़ें आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मतलब स्विंग ट्रेडिंग ही कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मैं नीचे चलूँ तो यहाँ पे इस स्टॉक की देखिए मैं आपको बता दूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि किसी भी अगर स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है। यहाँ पे देखिए मेजोरिटी शेयर होल्डर किसी दूसरे के पास है, अभी किसी दूसरे के पास है, मतलब वो हम देख सकते हैं किसके पास है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। और यहाँ पे गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। लगभग म्यूचुअल फंड की 22 स्कीमों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग 15.81% की होल्डिंग लेके। और यहाँ पे अगर हम FIs की बात करें तो 157 FIs यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, लगभग 31.59% की होल्डिंग लेके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है किसके पास कैसे क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए जो अदर DIs लगभग 1.59% है उनके पास। म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो लगभग 15.81% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस के पास देखिए, इंश्योरेंस वालों के पास लगभग 5.31% की होल्डिंग है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ FIs की, तो लगभग 31 FIs यहाँ पे, मतलब 39.59% की यहाँ पे होल्डिंग है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के, लगभग 45% की यहाँ पे होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। तो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। देखिए म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे थोड़ी सी और खरीदारी की है और FI यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए हैं, मतलब इंश्योरेंस ने प्रॉफिट बुक किया है, अदर DIs ने भी प्रॉफिट बुक किया, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड और नॉन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको निराश नहीं करना चाहूँगा, भले से कोई भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट किए हो। देखिए मैं इसमें लिक्विडिटी की मेन प्रॉब्लम है इस बैंक में। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो ही बहुत बढ़िया है। मैं आपको लंबे समय के लिए कभी भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना करने दूंगा, मतलब करने दूंगा कि मतलब मेरी राय रहेगी कि आप नहीं करिए, लेकिन आपका पैसा है, आप जहां मन तहां इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आपका जो पैसा बने वो एक
मल्टी बैगर पैसा बने। देखिए हम इस स्टॉक मार्केट में आते हैं पैसा बनाने के लिए, ठीक है, बिगाड़ने के लिए नहीं। तो मैं इस स्टॉक पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, और आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करें भी तो स्टॉप लॉस के साथ करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड।